और इस बीच रायपुर से अहम खबर आपको बताते हैं। 20 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, किरण सिंहदेव इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहेंगे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के प्रत्याशी पर मोहर लगेगी उसके नाम पर। वहीं दावेदारों में से एक नाम को फाइनल किया जाएगा। सुनील सोनी सबसे प्रमुख नाम है, संजय श्रीवास्तव है, केदार गुप्ता है दावेदार प्रबल, नंदन जैन समेत ऐसे कई प्रबल दावेदारों के नाम हैं, जिनमें से एक पर मोहर लगेगी। इस बीच अहम खबर आपको बताते हैं, नंदन जैन समेत कई ऐसे प्रबल नाम है जिनमें से एक नाम चुना जाएगा और 20 अक्टूबर को दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, किरण सिंहदेव इस बैठक में शामिल रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहेंगे। तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर लगातार मंथन चल रहा है। कई दिग्गज प्रबल दावेदार हैं और उन प्रबल दावेदारों में एक नाम को चुना जाएगा और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उस नाम का ऐलान हो जाएगा। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों पर लगातार समीक्षा चल रही है, रणनीति तैयार भी हो रही है और यही वजह है कि अब इस बैठक में उम्मीद की जा रही है। जिस तरह से प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहेंगे, रायपुर दक्षिण उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगेगी। कई प्रबल दावेदारों में से एक नाम फाइनल होगा। बता दें 13 तारीख को वोटिंग होनी है, मतदाता पूरी तरह से तैयार हैं और अब इस बीच एक खबर सामने आ रही है कि जिस तरह से कई प्रबल दावेदार हैं और उनमें से एक को चुनना। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे स्वप्निल गौरखेड़े, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? प्रबल दावेदार तो कई हैं लेकिन अब किस पर मोहर लगने वाली? बिल्कुल, रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी कौन होगा इसी को लेकर जो है चुनाव समिति की बैठक जो है वो दिल्ली में 20 अक्टूबर को रखी गई है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश के जो प्रभारी हैं नितिन नवीन, वो इस बैठक में प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे और रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी पर इस बैठक में मोहर लगाई जाएगी। क्योंकि यहां से जो चुनाव समिति की जो राज्य चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी उसमें जो है तीन नामों का पैनल जो है वो दिल्ली भेजा गया है, तो तीन नामों में से किसी एक नाम पर ही अब मोहर लगाई जाएगी। क्योंकि दावेदारों की बात करें तो इसमें पूर्व सांसद सुनील सोनी का नाम जो है वो शामिल है, केदार गुप्ता का नाम शामिल है जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही नंदन जैन जो कोषाध्यक्ष है भाजपा में, उनका भी नाम जो है कहीं ना कहीं उनके नाम की भी चर्चा है। तो कई दावेदार हैं और उन दावेदारों पर जो कौन प्रत्याशी होगा इस पर ही जो है 20 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। तो इस बैठक के बाद जो है रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी की घोषणा जो है वो केंद्रीय भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के माध्यम से की जाएगी। जी तो बिल्कुल, अब देखना होगा किसके नाम पर मोहर लगती है। नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो ये सीट भाजपा विधायक कृष्णमोहन अग्रवाल के सांसद चुने के बाद खाली हो गई थी और अब यही वजह है कि उपचुनाव हो रहा है।